फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गुणा करना सीखेंगे। 25 गुणे 43 करना है। गुणा करने के लिए हमें पहाड़े याद होना चाहिए। अब हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 चुक 12, 3 पंजे 15, तो कितने आए 15। तो हम 15 के 5 लिखेंगे और एक हमारा हासिल में चला जाएगा। अब 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दून 6, कितने आए 6 आए। अब 6 में हम एक हासिल का जोड़ेंगे तो 7। दूसरी संख्या का करेंगे हम गुणा, तो यहाँ पर हमें एक संख्या छोड़ना पड़ेगी। अगर 3 संख्या होती तो हम 2 संख्या पर छोड़ते। तो 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दून 8, 4 ती 12, 4 चुक 16, 4 पंजे 20, कितने आए 20। तो 20 की हम 0 लिखेंगे और 2 हमारा हासिल में चला जाएगा। अब 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दून 8, 8 में हम 2 हासिल का जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 और 2 10। अब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे। 5 के हम 5 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। 7 के हम 7 ही लिखेंगे। 0 के हम 0 ही लिखेंगे और 1 का हम 1 लिखेंगे। तो यह हमारा आंसर आ गया। अब हम 28 गुणे 64 करेंगे। तो हम 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दून 8, 4 ती 12, 4 चुक 16, 4 पंज 20, 4 छंग 24, 4 सतिक 28, 4 आठों 32। तो 32 का हम 2 लिखेंगे, 3 हमारा हासिल में चला जाएगा। अब हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दून 8, 8 में हम 3 हासिल के जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 और 3 11। अब दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर एक संख्या छोड़ देते हैं। अब 6 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दून 12, 6 ती 18, 6 चुक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 सत 42, 6 आठ 48। तो 48 के हम 8 लिखेंगे और 4 हमारा हासिल में चला जाएगा। अब 6 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दून 12, 12 में अब हम 4 को जोड़ेंगे क्योंकि 4 हमारा हासिल का है। तो 12 और 4 16। अब इन संख्या को हम जोड़ेंगे, 2 के हम 2 ही लिखेंगे। अब 1 में हमें 8 को जोड़ना है तो 1 में हम 8 जोड़ेंगे तो 9 आएंगे। 1 में हमें 6 जोड़ना है तो 1 में हम 6 जोड़ेंगे तो 7 होंगे। 1 का हम 1 ही लिखेंगे। यह हमारा आंसर है।